हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देख सकते हैं, ये अनार का प्लांट है और इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। अब इसमें एक इंसेक्ट लगता है, डिडोरिक्स एस्कोरेटस। अब जो इंसेक्ट लगता है जिसको अनार बटरफ्लाई बोलते हैं, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, आपने देखा होगा वो अनार में सिर्फ एक ही सुराख करता है। सभी ने देखा होगा एक ही सुराख होता है, लेकिन वो एक क्यों होता है कभी किसी ने दिमाग नहीं लगाया होगा। सो मैं आज आपको बताता हूँ। फूल ही गिर गया नीचे। सो किसी और फूल को देखते हैं। ये देख सकते हैं आप फूल, फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन ये फूल देख सकते हैं आप। अब इसमें क्या होता है कि जो अनार बटरफ्लाई है वो इसके बीच जो एग लेइंग करके उड़ जाती है वो, तो कुछ टाइम के बाद उनका लाइफ साइकिल कम्प्लीट होता है। एग के बाद लार्वा बनता है, पीपा बनता है, एडल्ट बन के फिर वो पूरे अनार को खा के होल करके वो बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड पहले से ही स्प्रे कर देना है। जैसे ये फ्लावर है तो इसके ऊपर हमें इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर देना है। जैसे हमने मालाथियन हो गया, इमीडा क्लोरोफिड हो गया, या फिर कोई और आप इंसेक्टिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। स्प्रे कर दीजिए तो इसके ऊपर वो एग्लेइंग नहीं करेगी अनार बटरफ्लाई, तो इसे आपकी जो अनार हैं वो बच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।